हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरसी के टेक ब्लॉग में। तो दोस्तों, अब आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं, अब ज़रूरी हो गया है बर्थ सर्टिफिकेट। और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हमें क्या करना होगा और कैसे बनेगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। सबसे पहले दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र या अपने लैपटॉप फ़ोन में ओपन करेंगे, वहाँ पर सर्विस प्लस डाल के सर्च करेंगे। दोस्तों सर्च करने पे कुछ इस तरीके का हमारे पास इंटरफेस खुलता है, जहाँ पे लिखा होगा सर्विस प्लस मेटा डाटा बेस्ड एप्लीकेशन। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट वाली वेबसाइट पे हम जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारे पास इंटरफेस खुल के सामने आता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन रजिस्टर, और यहाँ पे होम के बाद में स्टेट अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर जिन भाइयों ने लॉगिन कर रखा है यहाँ पे तो अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लें, और जो भाई नए लॉगिन कर रखे हैं यहाँ से रजिस्टर करके अपनी एक आईडी बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने रिजेक्ट हुए हैं, कितने एप्लीकेशन पेंडिंग में पड़े हुए हैं, कितने अप्रूव हुए हैं, कितने भी डिले में पड़े हुए हैं, ये सारी कितने प्रोसेस में हैं, ये सारी डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी नई आईडी बना लेते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का हमारे पास इंटरफेस खुलता है। यहाँ पे अपना फुल नेम डालेंगे दोस्तों, जो भी आपका नाम हो, जिस नाम से आप यहाँ पे आईडी बनाना चाहें उस नाम से यहाँ पे फुल डिटेल डाल देंगे। तो फुल डिटेल में, फुल नेम में अपना नाम यहाँ पे हम इंटर कर लेते हैं दोस्तों। नाम इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी डाल लेंगे, जो हमारे फ़ोन में पड़ी हुई है ऑलरेडी। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी हम इंटर कर लेते हैं दोस्तों। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे देख सकते हैं मोबाइल नंबर आपका, जो आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, वो यहाँ पे मोबाइल नंबर हम डाल लेंगे, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर पर हमारे एक OTP आने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना हम एक मोबाइल नंबर इंटर कर लेते हैं, और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद दोस्तों नीचे पासवर्ड यहाँ पे हम एक 6 अंक से लेके 8 अंक तक एक पासवर्ड यहाँ पे हम जनरेट कर लेंगे दोस्तों। वो पासवर्ड आपका ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। यहाँ पे अपनी सिलेक्ट स्टेट अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मेरा उत्तर प्रदेश है, मैंने उत्तर प्रदेश यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी है। तो दोस्तों अपना पासवर्ड यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं, जैसे कि आगे आपको काम आने वाला है पासवर्ड। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पे नीचे आएंगे दोस्तों। यहाँ पर अपनी स्टेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे दोस्तों यहाँ पे एक कैप्चा दिख रहा होगा आपको, एक कैप्चा यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का हमारे पास इंटरफेस खुलेगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों लिख के आ गया है, योर OTP विद द वेरीफिकेशन लिंक हैज बी सेंड टू योर ईमेल आईडी। तो वहाँ पर हम सबसे पहले अपनी OTP जो अभी हमारे मोबाइल नंबर पे आई वो यहाँ पे हम डाल लेंगे दोस्तों, और फिर यहाँ पे ईमेल OTP अपने ईमेल बॉक्स में जाके वहाँ से OTP निकाल के दोस्तों ये हमारा एक मेल आया हुआ है ईमेल आईडी पे, इसे ओपन करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ये हमारा OTP आया हुआ है उसी साइड से। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर लेंगे जाके। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं OTP, फिर नीचे लिखा हुआ है दोस्तों सबमिट। तो यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक कर लेंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद ये हमारा दोस्तों रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डन हो जाता है। यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन द सर्विस ऑनलाइन GOV.IN पे हम रजिस्टर कर चुके हैं दोस्तों। ये फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अपना वही ईमेल और वही पासवर्ड डालेंगे, फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे जब क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस नाम से मैंने आईडी बनाई थी वो नाम यहाँ पे शो हो रहा है। फिर मेनू में आएंगे नीचे, फिर मैनेज प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे।
प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद व्यू पब्लिक सिटीजन और एडिट प्रोफाइल सिटीजन और चेंज पासवर्ड पे ऑप्शन आता है दोस्तों, तो हमें नीचे वाली वेबसाइट पे क्लिक कर, तो दोस्तों सेकंड वाले नंबर पे अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे पास खुलता है दोस्तों। तो व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हम ऑल कर लेंगे व्यू स्टेट पे, फिर यहाँ पे अपना जो है बर्थ लिखेंगे। बर्थ लिखने में आगे जब बर्थ सर्च करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो देख सकते हैं नीचे 5 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं ऑलरेडी यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है बर्थ रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे 5 नंबर पे बर्थ रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे 5 नंबर वाले बर्थ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का हमारे पास इंटरफेस खुलेगा दोस्तों। यहाँ पे कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी जन्म मृत्यु पंजीय शाखा खुल जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों अपना सारी डिटेल आप भर के आप यहाँ से जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट दोस्तों बनवा सकते हैं। तो जन्म के लिए बालक का नाम, बालक हो या बालिका उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखेंगे, जन्म दिनांक शब्दों में लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, फिर यहाँ पे लिंग जो बालक बालिका जो भी है, पिता पति का नाम जो भी है यहाँ पे लिखेंगे, पिता की समय सामग्री आईडी यहाँ पे डालेंगे दोस्तों, फिर यहाँ माता का नाम दोस्तों डालेंगे। माता का नाम इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका अधिकार क्षेत्र क्या है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो लिखा हुआ होगा जन्म संबंधित विवरण, तो यहाँ ये स्थान का नाम डालेंगे दोस्तों जो भी है, जो हॉस्पिटल का है तो हॉस्पिटल में कोई, जो हॉस्पिटल में हुआ वहाँ का नाम डाल लेंगे, या घर का है तो घर का नाम दोस्तों यहाँ पे डाल लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से जो भी आपका हॉस्पिटल हो या घर हो जो लगता हो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट का हो वो यहाँ से दोस्तों हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जन्म का स्थान का पता, जन्म कहाँ पे हुआ किस स्थान पे हुआ यहाँ पे डाल लेंगे। मार्क स्ट्रीट में अपना एड्रेस डाल लेंगे दोस्तों यहाँ पे। फिर देश कंट्री आपकी क्या है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। फिर आपका राज्य क्या है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट आपकी क्या है, जिला आपका, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। फिर पिन कोड अपना यहाँ पे पोर्टल या जिप कोड जो भी कहते हैं आप यहाँ पे पिन कोड अपने पोस्ट ऑफिस का डाल लेंगे। फिर पूरा पता एड्रेस आप ऊपर ब्यूरो में जो अभी एड्रेस आप डाले हैं दोस्तों वही सेम एड्रेस यहाँ पे भी डाल सकते हैं। पत्र व्यवहार का पूर्ण पता यहाँ एड्रेस डालेंगे। मार्ग स्ट्रीट यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डालेंगे, राज्य डालेंगे, देश कंट्री डालेंगे, जिला डिस्ट्रिक्ट पिन कोड डालेंगे, वार्ड नंबर जो भी आपका लगता हो यहाँ पे इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद दोस्तों आवेदक का विवरण नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आवेदक का विवरण में जो भी आपका विवरण हो यहाँ पे डालेंगे। पिता का नाम यहाँ पे डाल लेंगे, आवेदक बालिका जो भी हो यहाँ पे फिल कर लेंगे दोस्तों। फिर आवेदक का एड्रेस यहाँ पे, वार्ड नंबर सेम वही प्रोसेस यहाँ पे दोस्तों कर लेंगे। उसके बाद अन्य विवरण अदर डिटेल में आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो भी आप डिटेल डाली है वो आपकी आपके फैमिली से मैच करती हो। फिर यहाँ पे एडिशनल डिटेल में अप्लाई करेंगे, उसके बाद दोस्तों नीचे फिर वीडियो को स्क्रॉल करेंगे, नीचे लिखा होगा वर्ड वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिख रहा होगा दोस्तों, वो कैप्चा यहाँ पे इंटर कर लेंगे दोस्तों। कैप्चा इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ड्रॉप है, सबमिट है, क्लोज है और रीसेट है, तो यहाँ पे हमको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम बर्थ सर्टिफिकेट अपना या अपने परिवार में किसी का, बच्चे का या जिसका भी आप बनवाना चाहें बनवा सकते हैं। तो दोस्तों यह थी जानकारी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।